बिल जो है ये बिल को रिजेक्ट किया जाए, इस बिल को जो है रिजेक्ट करने के लिए जो है उसको जीमेल के जरिए से पहले हमको 13 तारीख से पहले उस मैसेज को भेजना है। उस मैसेज को आप जितना ज्यादा भेजेंगे उतनी ज्यादा तादाद वहां पर जो है हमारे ऑब्जेक्शन की लगेगी। ये अच्छा काम है तहरीक का, और इस तहरीक के इस काम को जो है आप बखूबी अंजाम देंगे, यही मैं जो है आपसे तवक्कु रखता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो बिल लाया गया है उस बिल की जो है जहाँ कहीं भी मुस्लिम एडवोकेट फोरम की तहरीक को अगर जरूरत पड़ती है तो इंशाअल्लाह हम शाना बचाना जो है मुस्लिम एडवोकेट फोरम खड़ा रहेगा। यही मेरे दो अल्फाज है, और दो अल्फाज को बोलकर जो है मैं अपने यहाँ पर जो है दो अल्फाज खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलो, बहरों का इलाका है, बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो साथियों। गयूर मुसलमानों को मुख्य रवानों का सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी आप जानते हैं कि हमेशा हर मामले में जमीयत उलमा का अहम रोल रहा है। जी तरीके से पहले के औकात के साथ ही वक्त तरमीमी बिल को कैंसिल कराने में हम जमीयत उलमा की तरफ से पूरा ताउन आते हैं। आप देख लीजिए, मैं आपसे अपनी
अगर अगाड़ी की सत्ता आती है तो मेरा ब्लैक रेडी है, मैं जेल में जाऊँ और तू इंशाल्लाह जेल में जाना बिल्कुल जाए। आज के इस धरना के तहरीके औकाफ के सदर मोहतरम छोटे हैं मुझसे, मगर मोहतरम बोलना बहुत जरूरी है। आज उनको कुर्बानी देना पड़ा अपनी कुछ बात कहने के लिए, हालांकि उनका बोलना चाहिए था, इसके लिए मैं भी माफी चाहता हूँ सब लोगों से के और भी लोगों को कुछ कहना चाहिए। मेरे बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, 70-75 साल हो गए हैं, सब्र का पैमाना खत्म हो चुका है। निवेदन, दरखास्तें, गुजारिशें करते करते 70-75 साल हो गए हैं, मगर कोई सुनवाई सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना कुछ अमल करने के लिए तैयार है। इसके लिए तहरीक औकाफ ने तय किया है कि अभी निवेदन देना बंद करना है। ये हमको इनकी गुजारिशें क्यों दूरी करना बंद करना है। जो लोग गलत काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारा स्टेट वक्फ बोर्ड क्यों नहीं होता है, इंडिया के वक्फ बोर्ड जो हमारी जमीनात को खत्म कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी सियासी पार्टी के लोग हैं, हम गिड़गिड़ा के थक चुके हैं। अब नौजवानों, कुर्बानी का वक्त आ चुका है, कुर्बानी का वक्त आ चुका है, सबर बहुत हो चुका है। कब तक करेंगे? एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, चार पीढ़ी खत्म हो गई है, आज भी हमारी ये लूट हो रही है। इसके लिए हमको जो हमारे साथ ज्यादती करेगा उसको हमको वही पकड़ना पड़ेगा, वही उससे सवाल करना पड़ेगा, उसको वही उसको कबूल करना पड़ेगा। उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके का नांदेड़ वालों ने ये एहतजाज बिल अमेंडमेंट आया है, क्या खामोशी से चल रहा है? जो आप लोगों ने जोश और जज्बा बताया है, जिस तरीके से कल हमने सोचा था कि ये सिर्फ नांदेड़ नहीं, महाराष्ट्र नहीं, ये देश को मैसेज जाने वाला है, और हकीकत आपने आज बता दिया है, ये मुल्क को जाने वाला है कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं, अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, अब हम निवेदन देने वाले नहीं हैं। जहां जो कुछ जैसा होगा वहां उसी तरीके से अब आपसे निपटा जाएगा। यही अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय तहरीक औकाफ। हाँ सर, देखिए 2024 के अंदर जो हमारा वक्फ एक्ट है 95 का, उसमें तरमीम करने के लिए जो बात पार्लियामेंट में हुई, तजवीज पेश की गई है, इसके लिए कमेटी बनाई गई है, और जहां ये सारी चीजें मंगाई जा रही है, तहरीक औकाफ आज ही से नहीं 15 साल से इसके ऊपर मुसलसल काम कर रही थी, और तहरीक औकाफ को ये मालूम था कि ये होने ही वाला है। इसके लिए आज मैं तमाम तंजीमों को हिंदुस्तान के, जो सब के सब एक प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में एक साथ आए हैं, इस बिल की मुखालिफत में तमाम मसलकों के जिम्मेदार, तमाम पार्टियों के जिम्मेदारों ने जो एक सबूत दिया है, बताया है कि हम एक साथ हैं और एक साथ आवाज उठा रहे हैं, उसी की एक कड़ी है। नांदेड़ जिला में तहरीक औकाफ की तरफ से एक जलसा रखा गया है, और आज धरना पहली बार इस मुल्क में, चूंकि 70-75 साल हो गए हैं, इन लोगों के सामने गिड़गिड़ाना, इन लोगों को निवेदन देना, इन लोगों को गुजारिश करना, उसका नतीजा हमारे सामने आ गया है, कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा
हमको इन्होंने कुचला और दबा दिया गया है। अब वक्त आ गया है कि जिस तरीके के लिए हमने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए एक लड़ाई लड़ी थी हमारे उलमाए कराम ने, आज सारे उलमाए कराम और नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि वो लड़ाई लड़ने का वक्त अब आ चुका है। अब हमको वो लड़ाई लड़ना पड़ेगा है, हमको कुर्बानी देना होगा। ये निवेदन देने से, ये बोलने से, करने से नहीं होगा। हमको मालूम है कि कौन हमारा बिगाड़ रहा है, जो हमारा बिगाड़ रहा है, जो हमारे वक्फ बोर्ड है, जिन्होंने हमारी प्रॉपर्टी को बेचा है, उन वक्फ बोर्ड के मेंबरान को, चेयरमैन को वो जहां मिलेंगे हमको उनको वहीं पकड़ना है, बोलना है, निवेदन नहीं देना है और उनसे ये कहना है। और मेरी महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड जो आज इलीगल है, जो उसका चेयरमैन है, मगर उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि वो एक इमीडिएटली ठहराव पास करे और वो करे कि वक्फ बोर्ड ये जो बिल नया आ रहा है उसको रद्द किया जाए, उन्होंने लेना चाहिए। अगरचे वक्फ बोर्ड के लोग इमीडिएटली मीटिंग लेकर के ये फैसला नहीं करेंगे तो हमारे महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान चेयरमैन है उनको रास्ते से हम चलने भी नहीं देंगे, ये तहरीक-ए-अखाफ ने तय किया है।